नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने लगाए सरकार पर आरोप, पटवारी बोले देश का किसान खून के आंसू रो रहा है। दवाओं की कालाबाजारी जोरों पर, पुलिस विभाग कर रहा लगातार कार्यवाही। पृथ्वीपुर में शिक्षकों की अभिनव पहल, कोरोना से लड़ाई में जुटे सभी शिक्षक। एक तरफ तो कोरोना संक्रमण से प्रदेश की हालत खराब है, उस पर राजनीति का तड़का जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने देश और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा कि देश के पीएम किसानों के खाते में राशि डाल रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, कई किसानों की मौत हो गई है, लेकिन पीएम मोदी ने किसी से माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि देश का किसान खून के आंसू रो रहा है। वहीं बिजली के बिल के साथ ही डीएपी खाद के बढ़ते भाव पर भी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री जी सर्वविदित देश की मीडिया में और विश्व की मीडिया में उनके नकारापन को वर्णित करते हुए अखबार और मीडिया मुखर होने लगे हैं। आप देखो कि पिछले लगभग एक वर्ष से किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में कोरोना काल से पहले घूम रहे थे, आज भी दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। किसानों का कितना अपमान कि हजारों की तादाद में किसानों ने उस आंदोलन के दौरान अपने आप को शहीद कर लिया, शहीद हो गए, पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द उनके श्रद्धांजलि के स्वरूप नहीं निकला। मध्य प्रदेश कांग्रेस मांग करती है देश के प्रधानमंत्री से किसान सम्मान में निधि डालने के बजाय किसानों के खिलाफ बनाए गए तीनों काले कानून आप वापस लो, तब जाकर किसानों का सम्मान बढ़ेगा, अन्यथा आपकी जैसी पूरे विश्व की मीडिया बताती है कि आपका नकारापन, आपका निकम्मापन ने देश की क्या हालात किए हर क्षेत्र में सर्वविदित है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में पिछले दिनों पुलिस विभाग ने कोरोना दवाओं की कालाबाजारी पर कार्यवाही की। वहीं अब शहर प्रभारी और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित थाना प्रभारी की प्रशंसा की है और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बता दें, पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें जानकारी मिली कि गुजरात के मोरबी से मध्य प्रदेश में 1200 इंजेक्शन की खपत हुई है। इसमें 700 इंजेक्शन इंदौर में ही खपत करने की बात सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने अभी तक 650 इंजेक्शन की जानकारी जुटा ली है। मध्य प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री का संकल्प था, जो इस संकट में, इस महामारी में, इस आपदा में जो भी कालाबाजारी करे रेमडेसिविर की या दवा की, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको राचुका में बंद किया जाएगा। मैं इंदौर की पूरी टीम को, पूरे आला अफसर से लेकर टीआई से लेकर सिपाही तक, आईजी, डीआईजी, एसपी और टीआई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इनसे अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोग जो भी ऐसे कालाबाजारी कर रहे, जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते करो, कोई किंतु परंतु नहीं। बीते दिन कठीवाड़ा के राजेंद्र आश्रम प्रांगण में एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आम जनता को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के चलते कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है और सख्ती से इसका पालन कराने में पुलिस विभाग व्यस्त है। अब इसी बीच मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल यहां नियम उल्लंघन करने वालों पर लाठियां बरसाने की जगह उन्हें बतौर सजा के रूप में 1 मिनट में 5 गुब्बारे फुलाने की क्रिया कराई जा रही है। इसके साथ ही उनसे गुब्बारे पर पेन से भाग कोरोना लिखवाया जा रहा है। साथ ही समझाइश दी जा रही है कि वह घर से ना निकले और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले।
और मेरा मानना है कि मैं जब बैठता हूँ तो लोगों को कुछ सीख मिले थोड़ा, तो एक कुछ नए तरीके अपनाते, तो आज मैंने जो भी उल्लंघन कर रहे थे उनको शर्त दी कि यदि आपको कोरोना नहीं है तो आप एक मिनट में 5 गुब्बारे फुला कर दिखाइए। तो लगभग 10-15 लोगों से एक मिनट का समय दिया, उनसे 5 गुब्बारे फुलाए, तो उन लोगों ने बखूबी गुब्बारे फुलाए। और मुझे ये मैंने मेडिकल साइंस में भी पढ़ा, गूगल में भी पढ़ा कि जो गुब्बारे फुलाते हैं उनके फेफड़े मजबूत होते हैं और एक तरीके से फेफड़ों का ही व्यायाम है, इसीलिए एक सीख भी थी और एक हल्की फुल्की सजा भी थी और एक कोरोना से लड़ने का समाधान भी था। पृथ्वीपुर के शिक्षकों ने इस कोविड 19 की महामारी के दौरान पृथ्वीपुर CHC के लिए 51,000 का चेक कलेक्टर को दिया है, जिससे कि एक ऑक्सीजन मशीन पृथ्वीपुर अस्पताल में लगे। इससे ऑक्सीजन के अभाव में कोई मरीज परेशान न हो और उसे प्राथमिक उपचार मिल सके, यह उद्देश्य शिक्षकों का है। शिक्षकों के इस कार्य की कलेक्टर निवाड़ी ने बहुत प्रशंसा की है और कहा कि इस समय शिक्षा विभाग का शिक्षक हर जगह कार्य कर रहा है। क्वारंटाइन सेंटर सहित होम क्वारंटाइन में मरीजों को रोज अभ्यास कराया जा रहा है और कई शिक्षक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।